सो वॉट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू वन शैक्स। और भाई अब जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई, ठीक है, एक ही दिन है भाई, एक ही टाइम पे उमेर अंजुम का और भाई तल अंजुम दोनों भाइयों का गाना ड्रॉप हुआ है, तो हम रियली एक्साइटेड भाई, एक ही वीडियो में दोनों भाइयों पे रिएक्ट कर दूंगा। तो भाई विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, बाकी बाद में भाई रिएक्शन की बात करूंगा, जो भी बातें हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स जस्ट वेट जंप आउट ऑफ द रिएक्शन, लेट्स गो भाई। पहले अनास पे रिएक्ट करते हैं भाई, तुम मिले है गाने का नाम, लेट्स गो भाई, आ जाओ प्रोड्यूस भाई उमेर, आ जाओ। स्लो भाई भारी काफी, ओ मेरे यारा मर चुके तुमसे मुखातिब लफ्ज। ओह शिट भाई, दैट वोकल रेंज किल्ड मी भाई, डैम भाई। मेरे यारा मर चुके तुमसे मुखातिब लफ्ज पड़े, कैसी वो शाम जब हम गिरे फिर तुम मिले। ओ इसमें किक्स ऐड कर रखी है भाई, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मतलब एक स्लो वाइब में जब कोई भी आर्टिस्ट स्टार्ट करता है उसमें किक्स ऐड कर रही है, ठीक है भाई, बहुत यूनिक चीज है। कैसी वो शाम जब हम गिरे फिर तुम मिले, जब तक ये साथ तेरा हम खड़े तुमसे मुखातिब लफ्ज पड़े, हमें यहाँ गम नहीं कम मिले फिर तुम मिले। तेरा ही साथ जब तक जहां, जो तुम क्यों लगी आसान ये जिंदगी जीने को, क्यों लगा होगा सवेरा ना होगा ये गम पीने को, क्यों बड़े ये भीड़ अब रोज, क्यों रोज करूं हर हद पार, क्यों लगा के तुम हो जाला जो रोशन करेगा अब जीने को। जाना ये हुआ ही क्यों कि मैं बस अब दुआ ही दूं, ना हूं मैं तेरे से राने इस कुएं। भाई जाना ये हुआ कि हुआ ही क्यों अब मैं बस दुआ ही दूं, लाइक भाई ऑब्वियसली इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग। और भाई लाइक जब उमेर अंजुम है ना यही है, तो लाइक बहुत ऐसे गूज बम्स आ जाते भाई, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई तल अंजुम ही आ गया। लेकिन भाई लेट्स गो भाई, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जाना ये हुआ ही क्यों कि मैं बस अब दुआ ही दूं, ना हूं मैं तेरे से राने इस कुएं में, मैं है जरूआ सा हूं। बात तो तेरी भी ठीक, मैं साइको व्हेन आई एम लूजिंग माय कूल, बट आई डू इट फॉर यू, आई चोट ना तुझे मैं खाऊं ना धूल, अकेला है शहर में सैर पे नम एंड हाई एडिक्टेड टू क्रूज, यादों में तेरी हूं लिपटा दिखता ना रास्ता भटके ये रूह, बहादी से हाई ये कीमती कहो तो बहा दें हम ये खून, बस थोड़ी सी जान बहादी सी हाई, अब कहो तुम बहा दे क्या खून। ओ माय गॉड भाई दैट वाज वेरी डीप, भटके ये रूह, बहादी से हाई ये कीमती कहो तो बहा दें हम ये खून, बस थोड़ी सी जान है बाकी देखे वो तुझ पे हम रख ले सुकून। तू ही तो घर था मेरा, तू फूलों में लिपटा अजल था मेरा, गम में इजाफा अब इतना वो कफन सफेद अब सुर्ख है मेरा। ओ नहीं भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, शिट भाई ये दो बार्स मेरे को समझ नहीं आए। दिल क्यों चुप है मेरा, गलत क्यों रुख है तेरा, छीना है तुझे जमाने ने बस छोटा सा दुख है मेरा। ओ मेरे यारा मर चुके तुमसे मुखातिब लफ्ज पड़े, कैसी वो शाम जब हम गिरे फिर तुम मिले, जब तक ये साथ तेरा हम खड़े तुमसे मुखातिब लफ्ज पड़े, हमें यहाँ गम नहीं कम मिले फिर तुम मिले। तेरा ही साथ जब तक जहाँ, हमें यहाँ गम नहीं कम मिले फिर तुम मिले, कैसी वो शाम कैसी वो रात, तुम ना हो करीब तो हम ना हो तो हम ना हो। यो
यो भाई कि बहुत प्यारा गाना था, बहुत प्यारा गाना था। लेकिन भाई मेरे को एक बात बोलनी है, ठीक है? थोड़े से मुझे थोड़े से क्या काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे बार जो डीप डीप रेफरेंसेस थे मुझे समझना है, क्योंकि वो उर्दू में थे भाई। जितने भी जैसे जो मैंने मिस किया, अगर कोई देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताना भाई। बहुत प्यारा गाना था, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था, वो नॉर्मल टिपिकल हार्ट ब्रेक सॉन्ग था, बहुत प्यारी वाइब थी। लाइक मेरे को अनास को सुनना पड़ेगा, ठीक है? और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि वोकल रेंज बहुत बढ़िया है, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत अनएक्सपेक्टेड रेंज थी वो, लेकिन बहुत वो थी, समझ रहे हो ना? तो यही सीन है यार, मैं अनास को और एक्सप्लोर करूँगा, और प्लस तुम मेरे को बस ज़रूर बता देना थोड़े उर्दू उसके। प्लस भाई अब हम रिएक्ट करते हैं भाई तल अंजुम पहले, देखते हैं भाई कौन सी वाइब का ट्रैक फेंका। लाइक इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड भाई, ठीक है? एकदम बिना कोई हाइप क्रिएट करे एकदम से ऐसे डालना, कोई प्रमोशन नहीं होती, वो तो यंगस्टर जी हमेशा ऐसे करते हैं। तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, लू भाई गाना आ गया। तो यही बात अच्छी लगती है मेरे को, कोई हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, एकदम से गाना फेंक देंगे। तो लेट्स सी भाई, ऑडियो ड्रॉप हुई है विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, उन पर चलते हैं भाई, ठीक है? लेट्स सी भाई कौन सी वाइब का ट्रैक फेंका है। वैसे मैं तो भाई थोड़ा ड्रिल ट्रैक वो कर रहा हूँ एक्सपेक्ट भाई, देखो बाकी। ओ भाई यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा ये भी समझ रहे हो ना लो सा ट्रैक होने वाला है। दोनों भाइयों ने लो ट्रैक फेंका, डैम ये पक्का हुई है। तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूं भाई। डैम भाई मैं आवाज़ सुनते पता लग गया कि भाई कितना मतलब कितनी प्रैक्टिस लगी होगी इस आवाज़ को निकालने में। ऑब्वियसली एडिशनल वोकल लेयर्स तो ऐड हुई हैं, लेकिन वो जो रूखी आवाज़ होती है ना, तो सदर जो रूखी आवाज़ होती है, डैम भाई इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड अंजुम। ओ भाई वर्सेटैलिटी देख रहे हो तुम, ओ माई गॉड आई एम लविंग दिस भाई। सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूं, आहट पे तेरी मैं नींद से भी उठ पड़ूं, सब कुछ भुला कर मैं यादें समेटा करूं, फिर तेरे सिरहाने मैं बारिश में भीगा करूं। मिलके भी तू ना मेरा है ना यकीन, अब तेरा यादों में खोया है दिल, ये रोया है तुझको ढूंढा था बेवजह, जाने ये आलम है कैसा, आएगा कैसे सवेरा, तन्हाई ऐसी है मुझसे कहती है तुझको फिर से नो बोला, तू ना जाने तेरे बिन कैसे पहले ये गुजारे। कितना मेलोडिक और स्वीट आवाज है भाई, होशी भाई अनुराल खालिद भाई, डैम कितनी मतलब क्लियर वोकल्स है भाई, कितने क्लियर वोकल्स है, ओ डैम भाई बहुत मेलोडिक साउंड है। I mean I'm sorry for the heartbreak, you know we never should have parted, wish we could go back to the better days, तेरे हाथ में हो हाथ and I'm feeling great, hey back सारे आसे थे, गलती ना ये मेरी ना ये तेरी है। तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूं, तेरी मैं नींद से भी उठ पड़ूं, सब कुछ भुला कर मैं यादें समेटा करूं, फिर तेरे सिरहाने मैं बारिश में भीगा करूं। It's been a while. अब भाई तला अंजुम के आने से पहले ना खुद को रेडी करने दो भाई, क्योंकि इट्स बिन अ वाइल जो बोला है ना, लाइक वो जो हार्ट ब्रेकिंग वॉइस है, मुझे पता है भाई हुक के लिए उन्होंने एडिशनल वोकल लेयर्स ऐड करी थी, लेकिन अब उनकी रॉ वॉइस होने वाली है। डैम भाई आ जाओ, फिर तेरे सिरहाने मैं बारिश में भीगा करूं। It's been a while, तुम वक्त के नहीं कायल, दिल की दीवारों को दीमक की तरह फिक्र तेरी खाए, That wasn't a goodbye, तुम फिर भी ना लौट के आए, कलम उठाई फिर मैंने और लिखी जो मैंने बिताई, तेरे से पहले भी था कुछ तेरे बाद भी हूँ, तेरे साथ था जो वो दफन कर चुका अपनी जात में हूँ, एक लाश है बस थोड़ी सी याद है बस, एक आधा किस्सा है जिसमें देते हैं तेरी मिसाल है बस, मलाल है बस तू आया नहीं क्यों, मैं तो आया था सुनने वो गीत तेरा तूने गाया नहीं क्यों, खुशी में शामिल रहो मेरी मैं गम में बुलाता नहीं हूँ, मैं माफ कर देता हूँ लेकिन मैं कभी बुलाता नहीं हूँ, खुदा ने लेके भी। और भाई कितनी डीप लाइन थी, मैं माफ कर देता हूँ लेकिन भुलाता नहीं हूँ, ओह शिट बुलाता नहीं हूँ,
मैं माफ कर देता हूँ लेकिन मैं कभी भुलाता नहीं हूँ। खुदा ने लेके भी और दे के भी लिया इम्तिहान मेरा, मैं तो सब कह के भी ना कह के भी जाना बेजुबान रहा, सब तो लुटा आए। भाई कितनी डीप चीज़ है जो मतलब जो नॉर्मली एक्सप्रेस कर दी और मेरे को समझ भी नहीं आ रही। लाइक मैं कह के भी और ना कह के भी बेजुबान हूँ, मैंने ऐसा कभी किसी से नहीं सुना ब्रो। मैंने बहुत हार्ट ब्रेक सॉन्ग सुने हैं भाई, शेट, ओ माय गॉड। याद ही तेरी मेरा सामान रहा, सदिया गुजारी के नहीं तेरे इंतजार में, तू ये बता तू आया नहीं क्यों। मैं वही सोच रहा था कि ये दोनों अगर साथ में होंगे ना तो क्या ही कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई, और ये हुक दोनों साथ में गा रहे हैं। सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूं, आहट पे तेरी मैं नींद से भी उठ पड़ूं, सब कुछ भुला कर मैं यादें समेटा करूं, फिर तेरे सिरहाने में बारिश में भीगा करूं। भाई स्ट्रेट अवे दिस सॉन्ग इज गोइंग इन माई प्ले लिस्ट भाई, सर ना ये वो वाला गाना था भाई, भाई बहुत अलग वाइब थी तरंजुम की। और मैं वही सोच रहा हूँ बहुत यूनिक फ्लो के साथ, एग्रेसिव फ्लो के साथ आया था, और समझ रहे हो ना जब एग्रेसिव फ्लो में ऐसे हार्ट ब्रेक गाने होते हैं तो उसमें ना असली एंगर दिखता है तुम्हारा किसी भी आर्टिस्ट का, तो ये वो वाली चीज़ थी। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना भाई, लाइक वर्सेटाइल, जहाँ तलंजुम और वर्सेटाइलिटी की बात ना हो, लाइक मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोल रखा है, लाइक भाई इतनी वर्सेटाइलिटी, आई एम रियली एक्साइटेड भाई एल्बम में क्या होने वाला है भाई। मैं चाहता हूँ भाई, लाइक किसी ने पूछा था कि एल्बम कब आ रही है, उन्होंने कहा था 2022 में ही आएगी, 2022 में ही आएगी, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ थोड़ा और वक्त ले लो, क्योंकि भाई मुझे पता है भाई क्या डिलीवर कर देगा तलंजुम। यार वो वाली काइंड ऑफ वाइब नहीं थी, देखो चेरी ऑन टॉप इस गाने में क्या थी, जो मतलब अनुराग खालिद की जो वॉइस थी, ठीक है, लाइक बहुत, मैंने इतनी क्लियर वोकल रेंज ना कभी बहुत कम आर्टिस्ट की सुनी है, जबकि कोई फीमेल एमसी हो, तो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, ठीक है। और प्लस भाई हाँ, गाना वैसे भाई सोलो भी हो सकता था तलंजुम का, क्योंकि भाई हुक में कोई दिक्कत नहीं, भाई कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत प्यारा हुक था, लेकिन चेरी ऑन टॉप हुआ था कि उनका वर्स ऐड हो गया। और भाई तो हार्ट ब्रेक में जब ऐसे लड़की भी होती है ना, लाइक वो गलत सीन हो जाता है। तुमने डीनो जेम्स के वाले ट्रैक्स तो सुने ही होंगे, मैं तो समझ रहा हूँ ना किस चीज़ के बारे में बात करूँ, जैसे डीनो जेम्स का दूरिया ट्रैक भी हो या फिर विश लिस्ट भी हो, तो ऐसी चीज़ों में ना लाइक बहुत बढ़िया वाइब आ जाती है। तो ये सीन था, यही था मेरा रिएक्शन भाई, लाइक एल्बम की वेट है भाई, ठीक है, एल्बम की वेट है, और मैं क्या ही बोलूँ भाई, और जितना टाइम लेना है ले लो भाई। मुझे पता है कोई भी आर्टिस्ट बेस्ट डिलीवर करना चाहता है अपनी एल्बम में, अपनी जर्नी बताना चाहता है, और मेरे हिसाब से पहली एल्बम होने वाली है तलंजुम की, तो भाई आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस भाई, जितना टाइम लेना ले लो। बाकी तुम बताना मेरा रिएक्शन कैसा लगा भाई, अब तो भाई कैमरा भी इम्प्रूव कर दिया मैंने, माइक तो पहले से अच्छा था, तो तुम बताना भाई कोई और भी क्वालिटी मिसिंग होती है, अब तो भाई जो इन्वेस्ट करूँगा सेटअप पे करूँगा। बाकी भाई कुछ जिसको जो भी सजेशन देना भाई कमेंट्स में डाल दिया, कमेंट कर दिया करो, ठीक है, मैं ओपन टू ऑल सजेशंस भाई। बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।